नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। धनतेरस कहते हैं कि धनतेरस का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस त्यौहार को समूचा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है और कहते हैं कि धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की तैयारियां जोरों पर हो जाती हैं, लोग दीप जलाने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस का महत्व जीवन में क्या होता है, धनतेरस के दिन ऐसा हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन आए, और ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए जो दिवाली के दिन हमको करनी चाहिए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी बरस सके। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि आज के दिन क्यों सोना खरीदा जाता है, क्यों चांदी खरीदी जाती है और क्यों बर्तन खरीदा जाता है, और जो लोग आप खरीद कर लाते हो उसका कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपके जीवन में बरकत हो। इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ विश्व विख्यात आचार्य, आपको बता दें आशुतोष जी हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको आशुतोष जी। आप बताएंगे और बहुत अच्छे समझाएंगे कि इस पावन दिन का जो हम लोग सालों से इंतजार करते हैं उसका महत्व क्या है। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से भी धनतेरस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये धनतेरस बहुत सारे सुख लेकर आए, आपके जीवन के अंधकार के बादल छुट जाएं और आपका जीवन खुशमय बन जाए। हम लोग बातें करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दीजिए। धनतेरस का त्योहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। दुकानदारों ने दुकानों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है। आज के दिन लोग सोना चांदी और बर्तन को खरीदते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर भूल कर बिना खरीदें ये चीज, लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। शीशे की बनी चीजें, कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर ना खरीदें लोहा। मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें, खाली बर्तन। वैसे तो सच्चाई है कि दुकान से आपका कोई अनाज भरकर आपको बर्तन नहीं बेचने जा रहा है, इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरे चीज से भर लें। स्टील, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदने चाहिए। काले रंग की वस्तुएं, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धारदार हथियार, धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने निकले हैं तो चाकू, कैंची और दूसरे धारदार हथियारों को खरीदने से बचना चाहिए। कारें, कई घरों में धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि ये शुभ दिन माना जाता है, लेकिन मान्यताओं के मुताबिक अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, धनतेरस के दिन नहीं। नकली सोना, धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा सोने की ही खरीदारी होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस दिन गलती से भी नकली ज्वेलरी सिक्के घर में नहीं लाने चाहिए। तेल, धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसी घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिया जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। उपहार, धनतेरस के दिन पहले तोहफा खरीदना और देना शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है कि आप अपने घर से रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन आपके घर से लक्ष्मी को दूसरी जगह भेजना अशुभ माना जाता है। तो देखा आपने धनतेरस के दिन हम लोगों को क्या करना है, तो आप भी जानिए धनतेरस त्योहार के बारे में हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। प्रोग्रामिंग टेक से सुनील चौहान, CCN के लिए। तो देखा आपने रिपोर्ट में और जानने की कोशिश की कि बहुत ही पावन मेला हम सब के बीच में है, बाजार सजे हुए हैं
और लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज खरीदारी कर रहे हैं। कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई सोना चांदी खरीद रहा है और अपने घर में लेकर आ रहे हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन ये सब खरीदना। और देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ है, बहुत ही सुंदर रौनक है और दिवाली पर पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी है। तो आचार्य जी, आज बहुत ही सुंदर बेला है और हम सब के बीच में त्योहारों के आगाज हो गया है, लड़ियां लग चुकी हैं घरों में और लोग रंगोलियां बना रहे हैं और आज बहुत ही पावन बेला, बहुत ही सुंदर अवसर हम सब के बीच में धनतेरस। धनतेरस पर सबसे पहले ये बताइए कि धनतेरस का आखिरकार महत्व क्या है। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीस्पतन्या बहोरात्रे पासर्वे नक्षत्राण रूपमस्तनो व्याप्तमी खाण मई खाण सर्वलोकमयी खाण। ओम धर्म वपुषे नमः, ओम धर्म ध्वजाय नमः, ओम धर्म ध्वजाय नमः। दर्शकों जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को धन तेरस जो आ रही है इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। अभी सुनील जी ने प्रश्न किया कि धन तेरस क्यों मनाया जाता है। बहुत उत्तम क्वेश्चन, सराहनीय क्वेश्चन। दर्शकों कार्तिक मास एक कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन में जो शंख चक्र अमृत कलश धारी धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हस्त धन्वंतरी विष्णु भगवान का अवतार हुआ और इसी उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है और इसका बहुत ही महत्व है। वैदिक पद्धति के अनुसार, पुराणों के अनुसार, श्रुतियों के अनुसार, वेद उपनिषदों के अनुसार धनतेरस का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है और यह त्यौहार, यह पर्व अपने आप में हर तरह की खुशियां समेटे हुए रहता है। लेकिन इस पर्व का, इस त्यौहार का, इस उत्सव का अगर सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाए तो इसका एक एक पल धनतेरस का एक एक क्षण साधना का होता है और इस दौरान व्यक्ति कौन सी ऐसी पूजा करे, कौन सा ऐसा नियम अपनाए जिससे उसके जीवन में, उसके जिंदगी में चार चांद लग जाए और धन्वंतरी भगवान की कृपा बरसे। ये सब बातें हैं सुनील जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है और समझाई है कि आज का दिवस, आज का ये जो दिन है हम सब के जीवन में विशेष महत्व रखता है और आज के इस दिन को हम लोग ऐसे अपनाएं जिससे हमारे जीवन में अपार खुशियाँ आएँ और हमारे जीवन में भी उदारता है, हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो हमेशा के लिए चले जाएं। आचार्य जी, आज के दिन लोग हैं बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और ये कहा जाता है कि हर किसी को सोना और चांदी नहीं खरीदना चाहिए, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदना चाहिए। सबसे पहला आप ये बताइए, जो लोग बर्तन सोना चांदी खरीदते हैं ऐसा क्या महत्वता है और खरीदने से घर में क्या बरकत आती है? धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग बाजारों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तमाम तरह के मेटल इत्यादि खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं, खरीद करके और इसका आनंद लेते हैं। सुनील जी ने अभी प्रश्न किया कि क्यों खरीदते हैं, मैंने अभी बोला कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, उसी दौरान नारायण धन्वंतरी के रूप में शंख चक्र अमृत कलश धारी धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ, जैसा कि श्रुतियों वेदों और पुराणों का कहना है, मानना है। ज्योतिष मत के अनुसार सोने में नारायण का वास होता है, यानी गुरु का वास होता है। सोने से शुभता का विचार किया जाता है, सोना से
ऐश्वर्य का विचार किया जाता है, सोना से आनंद का विचार किया जाता है, उत्सव का विचार किया जाता है। अगर आप सोना आज के दिन खरीदते हैं, सोना चांदी कोई भी बर्तन आप मेटल का खरीदते हैं, इससे आपके जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा और आपके जीवन में जो जो समस्याएं हो रही हैं वह सॉल्व हो जाएंगी। विशेष रूप से सोना चांदी खरीद करके लोग तिजोरी में रखते हैं, पूजा करते हैं, सोने की मूर्ति खरीदते हैं या सोने की धातु खरीदते हैं, जेवर जवाहरात खरीदते हैं, खरीद करके दीपावली के पर्व पर पूजन भी करते हैं। तो आज के दिन सोना चांदी खरीदा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, कई गुना बन करके आपके जीवन में आएगा, इसका कई गुना प्रभाव आपको मिलेगा। अगर आज आप एक रुपये खर्च करते हैं तो उसका 1 करोड़ का फायदा होगा। यानी कि आज के दिन जो भी आप सोना चांदी से बने बर्तन, जेवर जोहरात, मूर्तियाँ इत्यादि खरीद करके आप दीपावली के पर्व पर पूजन करेंगे और आज के दिन भी आप पूजन करेंगे, वह आपके लिए शुभ और अच्छा होगा। इससे आपके जीवन की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है सब दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आचार्य जी आपने बताई कि आज के दिन में अगर आप जो भी चीज़ खरीद कर लाओगे इसके साथ घर में पॉजिटिविटी आएगी और जो भी कठिनाइयाँ जीवन में चल रही होती हैं वो कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। आचार्य जी, लोग घरों को साफ सुथरा कर लेते हैं, घर सुंदर सुंदर सज जाते हैं और आप दर्शकों को ये बताइए घर को कैसा सजाएं और किस तरह से बहुत से लोग झाड़ू लेकर आते हैं और ये बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियाँ ज़ोरों से की जाती हैं और घरों की लाइटनिंग से बहुत सुंदर सुंदर लाइटनिंग की जाती है। और ये बताइए कि धनतेरस के दिन अगर किसी के घर में वास्तु दोष लगा है तो वो दिन कहते हैं कि बहुत ही अचूक होता है और वास्तु दोष को मिटाया जा सकता है। ऐसी कौन सी निगेटिविटी को डिसॉल्व हम लोग कर सकते हैं धनतेरस के दिन जिसका जातक साल भर इंतजार करते हैं? दर्शकों, आज के दिन, अभी सुनील जी ने एक शब्द बोला, आज के दिन लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, बहुत उत्तम क्वेश्चन। बिल्कुल आज के दिन झाड़ू खरीदा भी जाता है, कुछ लोग खरीदते हैं। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता। अभी सुनील जी ने प्रश्न किया कि आज के दिन ऐसा क्या करें कि वास्तु दोष ना हो। आज के दिन आप झाड़ू खरीद कर ले आए, झाड़ू खरीद कर लाएं और अच्छी तरह से उसको कहीं ऐसे जगह रखें, नित्य प्रति रखें कि बाहरी व्यक्ति आए उसको दिखे ना। आप झाड़ू लगा रहे हैं, दिख रहा कोई बात नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को ऐसे जगह रख दें कि किसी को दिखाई ना दे साल भर, तो आपके घर में साल भर तक वास्तु दोष नहीं होगा। फिर धनतेरस आएगी, फिर अगले धनतेरस पे आप झाड़ू खरीद लेना, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। दूसरी बात है, आज के दिन आप गौमूत्र से पोछा लगाएं। जब भी आप पोछा लगाएं तो देसी गाय का गोबर, थोड़ा सा देसी गाय का गोबर हो और गौमूत्र हो, पोछे में डाल करके मिक्स करके आप पूरे घर का पोछा लगा दें और घर में इलेक्ट्रॉनिक के टूटे फूटे सामान ना रखें। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के गजट्स टूटे फूटे हैं, घड़ियां हैं, दीवार घड़ियां हैं, ये जो टूटी फूटी हैं इनको घर से बाहर कर दें। घर में जाला नहीं रखना चाहिए, जाला भी सबसे बड़ी बीमारी का कारण होता है, वास्तु दोष का कारण होता है। जाला लग गया तो समझिए कि जिंदगी जो है जाले में बंध जाती है, जाले में इंसान फंस जाता है। तो घर में जाला ना लगने दें। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप विशेष रूप से आपके जो आपके घर में जीने हैं, जीने के नीचे, जीनी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना हो, मोटर इत्यादि ना हो, इससे भी दिक्कत आएगी। आपके किचन में लाल रंग की भूरी रंग की चीटियां ना हो और आपके जो भी किचन में अन्न है, चावल है, आटा है, उसमें कीड़े ना पड़े, उसमें चीटियां ना पड़े, इससे निगेटिविटी होती है। तो बिल्कुल आज के दिन सफाई करके रखें और अच्छी तरह से घर को महका के रखें, सुगंधित करके रखें, क्योंकि धन्वंतरी भगवान का आगमन होगा। धन्वंतरी भगवान जो है अमृत कलश धारी हैं, अमृत तो प्रदान करते हैं, ओज प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, उत्तम शरीर देते हैं, बीमारियां दूर कर देते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं। आज के दिन विशेष रूप से आप जड़ी बूटियां सिद्ध कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप जड़ी बूटी इत्यादि सिद्ध करते हैं और आप अगर सपोज करिए कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो आज के दिन विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान का व्रत रखें, पूजन करें विधि विधान से
भक्ष भोज्य आहार सामग्री धन्वंतरी भगवान को चढ़ाएं और धन्वंतरी भगवान के कुछ मंत्र होते हैं उसका प्रयोग करें और नियम पालन करें, इससे आपके शरीर का रोग भी दूर हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इसका एक एक पल का आप आनंद उठाएं। बिल्कुल, और साल भर से हम लोग इंतजार करते हैं इस दिन का और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दर्शकों को इस बात का ध्यान रखना है और पूरे दिन की महत्वता को समझना है। आचार्य जी, आपने कहा कि मंत्रों में बहुत शक्ति है, आज मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि आज जिन लोगों को रोग हैं उन रोगों से निजात पाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये बताइए कि रोगों से निजात पाने के लिए आज के दिन का इस्तेमाल कैसे करें और कौन से मंत्रों का जाप करें। बहुत उत्तम क्वेश्चन किया इस विषय पे दर्शकों, मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाऊंगा और दृष्टांत दूंगा। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा धनतेरस का मुझे महात्म सुनाइए और इस महात्म को श्रवण करने मात्र से, इस महात्म का कथा सुनने मात्र से बड़ी सी बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तब सूत जी ने कहा एक बार योग ऋषि नारद जी विविध लोगों का भ्रमण करते हुए मर्त्य लोक में आए। यहाँ पर उन्होंने देखा नाना प्रकार के प्राणी नाना योनियों में जन्म लेकर के, कोई तन से दुखिया, कोई मन से दुखिया, कोई बीवी बच्चों से दुखिया, कोई परिवार से दुखिया, कोई अपने आप से दुखिया, बीमारी से लोग ग्रसित हैं। किसी को क्षय रोग हो गया है, किसी को दमा है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, ज्वर इत्यादि लगा हुआ है, किडनी की प्रॉब्लम है, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हर इंसान तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है। इंसान का शरीर बीमारियों का एक तरह से पुतला हो चुका है, हर इंसान के शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। तो नारद जी का मन खिन्न हुआ, उदास हुआ, यही चिंतन करते हुए क्षीर सागर पहुँचे। क्षीर सागर में नारायण को प्रणाम किया और फिर उन्होंने नारायण से उपाय पूछा। तब नारायण ने कहा कि इसके लिए ऑलरेडी उपाय है। तो विष्णु भगवान ने एक महात्म सुनाया, एक कथा सुनाई कि उज्जैन में अवंतिकापुर नगरी में, जो उज्जैन प्रदेश है, यहाँ पर अवंतिकापुर नगरी में एक धनगुप्त नाम के राजा रहते थे। वो बड़े विद्वान थे, बड़े यशस्वी थे, लेकिन कुछ समय बाद उनको हो गया क्षय रोग। क्षय रोग से ग्रसित हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गए, उनका शरीर बिल्कुल बीमारियों से कलुषित हो गया, पीड़ित हो गया। उन्होंने तमाम तरह के अनुष्ठान किए, मंत्र अनुष्ठान किए, वैद्यों के पास गए, तमाम तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, लेकिन उनका रोग नहीं ठीक हुआ। उनकी पत्नी भी थी बड़ी शील स्वभाव की, उन्होंने भी व्रत इत्यादि किया, अनुष्ठान इत्यादि किया, वह भी नहीं ठीक हुई और उनको अतिसार नामक रोग हो गया। अतिसार रोग से वो भी ग्रसित हो गई, उनके पति क्षय रोग से ग्रसित हो गए, उनके यहाँ पांच पुत्र हुए, पांचों पुत्रों को बीमारी हो गई, दमा की बीमारी, खांसी की बीमारी, मतलब पांच तरह की बीमारियाँ पांच पुत्रों में लग गई और पूरा परिवार बीमारियों से ग्रसित हो गया। कोई तन से दुखिया, कोई मन से दुखिया, कोई शरीर से दुखिया, कोई हर व्यक्ति उनके घर में दुखी हो गया, बीमारियों से कलुषित हो गया, पीड़ित हो गया। जरा नामक बुढ़ापा ने आके घेरा, जरा यानी बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया, शरीर सुकड़ने लगा, शरीर का तेज, शरीर का ओज, शरीर की शक्ति, शरीर की कांति सब फीकी पड़ गई, परिवार बिल्कुल कलुषित हो गया, पीड़ित हो गया। एक दिन धनगुप्त नाम के राजा ने पीड़ित होकर के, दुखित होकर के, उन्होंने घर त्याग दिया, जंगल में चले गए। जंगल में गए, वहाँ पर एक महात्मा को देखा, भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए, महात्मा को देख करके प्रणाम किया। भारद्वाज मुनि से कहा भगवान मुझे इस बीमारी से निकलने के लिए उपाय बतलाइए। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा आप चिंता ना करें, आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। तो धनगुप्त नाम के राजा ने धन्वंतरी भगवान का अनुष्ठान किया और भरद्वाज ने विधि बताया, भरद्वाज मुनि ने विधि बताया कि कार्तिक मास के त्रयोदशी वाले तिथि पर, जो कृष्ण पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि हो, कार्तिक मास हो, इस तिथि को आप सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान वगैरह करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, वस्त्र पहनने के बाद पूजा स्थान को सजाइए, घर को झाड़ बुहार दीजिए, सुंदर सुंदर ध्वजा पताकाओं से, तोरण बंधनवारों से और
आम के पल्लों से घर को सजा दीजिए, स्वास्तिक बनाइए, सुंदर सुंदर कलश तैयार करिए और धन्वंतरी भगवान का फोटो लगाइए। धन्वंतरी भगवान की मूर्ति हो और हाथ में जल लेकर के आप संकल्प करिए, संकल्प या संकल्प लीजिए, हे धन्वंतरी भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, बीमारियों से मुक्त होने के लिए, आरोग्यता प्राप्ति के लिए मैं आपका व्रत कर रहा हूँ। ऐसा संकल्प लेकर के जल चढ़ा दीजिए, पवित्रीकरण करिए, पृथ्वी माता को प्रणाम करिए। इसके बाद दीपक जलाइए और भक्ष भोज्य आहार सामग्री में आप बायन नामक एक भक्ष भोज्य आहार होता है। बायन कैसे बनाया जाता है, आप थोड़ा सा आटा ले लें, आटे में दूध मिला लें और शक्कर मिला करके उसको उबाल दें और उबालने के बाद जब वो पकने लगे तो उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल दें, शक्कर डाल दें, इलायची डाल दें, जावित्री इत्यादि डाल करके उसको अच्छी तरह से पका दें। पकाने के बाद उसको एक अच्छे बर्तन में निकाल करके, चांदी या स्टील या पीतल जो भी हो, आप उसमें निकाल करके भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान धन्वंतरी को सुंदर सुंदर माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, नैवेद्य फल इत्यादि चढ़ा करके पूजन करें। पूजन में धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करें और यही प्रार्थना करें, धन्वंतरे महाभाग जरारोग निवारक दोर रूपेण पाही सकुटुंबम दयानिधे आदि व्याधि जरा मृत्यु भयादाद स्मरणिशम। ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। यह मंत्र है, इसको अच्छी तरह से आप इसका पाठ करें। पाठ करने के बाद धन्वंतरी भगवान को दीप दिखा करके आरती करें। आरती करने के बाद विधि विधान से आप व्रत का पालन करें। पूरे दिन रात्रि काल तक आप भजन इत्यादि करें और भगवान का नाम लेकर के रात्रि को गुजार दें और अगली सुबह फिर मंदिर में जाएं, स्नान वगैरह करके मंदिर में जाएं, मंदिर में जा करके नारायण को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर आप ब्राह्मण को कुछ भोजन करा दें और यह विधि अगर आपने अपना लिया तो बड़े से बड़ा रोग, बड़ी सी बड़ी बाधा, चाहे तंत्र की बाधा हो, चाहे मंत्र की बाधा हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, इससे आपको निजात मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आज के दिन अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो किसी भी तरह की बाधा से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। आचार्य जी, आज के दिन कहते हैं कि सोना बरसता है, माँ लक्ष्मी गणेश की हम लोगों पर कृपा बरसती है, धन पाने के लिए आज हमको क्या उपाय करने हैं? आज के दिन अगर आप धन पाना चाहते हैं तो एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछा करके धन्वंतरी भगवान का फोटो या मूर्ति रख करके एक दीपक जला करके, नौ मुखी का घी का दीपक जला दीजिए, एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और एक लाल चंदन की माला लेकर के माला को ढक करके पवित्रीकरण इत्यादि करके आपको मंत्र का जाप करना, ओम धर्म ध्वजाय नमः, ओम धर्म ध्वजाय नमः, ओम धर्म ध्वजाय नमः, ओम अमृत बपशे नमः, ओम अमृत बपशे नमः, ओम अमृत बपशे नमः। मैंने दो मंत्र बोला है, चाहे आप धर्म ध्वजाय का जाप करिए, चाहे ओम अमृत बपशे का जाप करिए। अमृत बपशे का जाप करेंगे तो इससे रोग भी दूर होगा, बीमारी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो ये भी दूर होगी और साथ में धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, सुख शांति समृद्धि आएगी। दोनों मंत्र अपने आप में पावरफुल हैं। किसी मंत्र का आप 1100 जाप करके इसके बाद आपको दूध में आटा मिला करके उसको उबाल करके उसमें इलायची इत्यादि डाल करके, शक्कर इत्यादि डाल करके उसका जो भक्ष भोज्य आहार तैयार करके और उसी से इसी मंत्र के द्वारा 108 आहुति डाल दीजिए आम की लकड़ी पर, आरती करके इसके बाद प्रार्थना कर लीजिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रोगों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, आज के दिन धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बर्तन खरीदने से क्या कुछ हो सकता है। अब हम लोगों को ये बताइए कि जो लोग अपने पद में उन्नति चाहते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस पर तरक्की चाहते हैं, तो आज कौन से टोटके करने हैं? बहुत उत्तम क्वेश्चन किया। अगर आप राज प्रतिष्ठा चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आज के दिन आप एकाक्षी नारियल, 11 एकाक्षी नारियल ले आइए। 11 एकाक्षी नारियल को ला करके
ओम धर्म ध्वजाय नमः, ओम धर्म ध्वजाय नमः, कम से कम 2100 मंत्र का जाप करके उसको अभिमंत्रित करके उसमें ये जो 11 काक्षी नारियल उसमें 11 लौंग, 11 इलायची, 11 काली हल्दी की गांठ डाल करके पीले कपड़े में बांध करके आप अपने जहां आपका कारोबार है, जहां आप ऑफिस है या जहां आपका तिजोरी का स्थान है वहां उसको रख दीजिए और इससे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन उस पोटली को फिर पूजा स्थान पर रख करके आपको धन्वंतरी भगवान यानी विष्णु भगवान की पूजा करके फिर दोबारा उसी तिजोरी में रखना है। यह नियम अगर आपने पालन किया तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा जस कीर्ति सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने हमारे इस मंच पर आके आज के दिन की शुभा में चार चांद लगा दिए, दर्शकों का मार्ग प्रशस्त किया और समझाया कि धनतेरस का मतलब क्या होता है और धनतेरस को मनाए कैसे। और किसी के जीवन में अगर रोग से लेकर कोई परेशानी है, पैसों को लेकर कोई परेशानी है, मान सम्मान चाहता है तो उनको क्या क्या करना है। साथ ही आपने ये बताया आज कि कैसे पूजा पाठ करनी और इतिहास हमारी पौराणिक कथा क्या है जो भगवान धन्वंतरी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो आके यहाँ पर हमारे दर्शकों का हमारा ज्ञानवर्धन किया। तो देखा आपने, आचार्य जी ने आपको आज बताया कि धनतेरस का हमारे जीवन में महत्व क्या है। हम भी आपसे ये दुआ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको संपूर्ण नॉलेज मिली होगी और आपके घर में भी धन संपदा अपार बरसे और कुबेर के भंडार आपके घर में खुलें। हर त्यौहार का स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स इस पर काम कर रहे हैं, प्रोग्राम बन रहे हैं। हर दिन को आप हम लोगों को देखिए और अपने जीवन को सुधारिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।